दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम में एमबीएस मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड दस्ता मौके पर पहुंच गया। दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम में एक ईमेल के जरिए मॉल को उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल पर एमबीएस मॉल प्रबंधन को बम से उड़ाने की धमकी 9:45 पर आई, जिसकी सूचना के बाद बम निरोधा दस्ता और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। छानबीन की जा रही है। इस तरह के मेल पहले भी आ चुके हैं। पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। एसीपी डीएलएफ विकास कौशिक का कहना है कि जांच चल रही है। दिल्ली में बीते महीनों एक दो बार नहीं बल्कि कई बार स्कूल अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद खलबली मच गई थी। दिल्ली के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें डीपीएस, मदर मैरी स्कूल और संस्कृति स्कूल जैसे नामी स्कूल शामिल हैं। 30 अप्रैल को दिल्ली के शाहदरा में चाचा नेहरू अस्पताल को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। परिसर को खाली कराया गया और गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जनवरी 2024 में गुड़गांव पुलिस ने 37 वर्षीय एक व्यक्ति को बम से उड़ाने की झूठी धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से मुंबई का रहने वाला अमर पाल जयसवाल लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार था और फिलहाल एक मेडिकल स्टोर पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। जांच में पता चला कि उमर पाल मानसिक रूप से बीमार होने के साथ नशे का आदी था, जिसकी वजह से अक्सर उसके और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होते थे। एक दिन अमर पाल की उसकी पत्नी से तीखी बहस हो गई और वह नशे में था। उसे डराने की कोशिश में उसने अस्पताल नंबर 112 पर कॉल किया और बम होने की झूठी सूचना दी। जानकारी 2024 की शुरुआत में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या के राम मंदिर को विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स की एक टीम ने लखनऊ के गोमती नगर के विभूति खंड इलाके से ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी गोंडा के निवासी हैं और एक पैरामेडिकल संस्थान में काम करते हैं। इसके अलावा भी देश भर में कई बार धमकी देने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें अधिकतर झूठी पाई गई हैं।